गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है गुरुवार और सुबह के बज चुके हैं 9। यहाँ पे गणेश जी का लाया गया है, देखिए ब्लैंकेट में, देखिए ये देखिए गणेश, ये देखिए गणेश जी ने कैसे नेल पेंट लगा। नहीं, कभी कभी बच्चों को भी मतलब जब मैं शूटिंग करती ना इरिटेटिंग हो जाते हैं। ओके, तो आपको मेरा लास्ट वाला ब्लॉग जो है वो बहुत पसंद आया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी और यहाँ पे आ रही है सांगू मैडम ऐसा ही रूटीन, देखिए यहाँ पे भी उनको सोना है। हेलो दूध चले गए उनको सोना स्वामी देखिए इसकी भी नेल पर उनको बता दो, इतने बदमाश हो गए ना बच्चे फिर से। मतलब बीच में मैंने उनको बोला था कि मेरा जो मेकअप का सामान है उसको हाथ नहीं लगाना, अभी फिर से मैंने मेकअप के सामान को हाथ लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बच्चे कुछ नहीं कर सकते और अभी नितेश मेरे बच्चों को दूध देने वाले हैं, और आज मैं कुछ खास नहीं, देखते हैं क्या बनाते हैं। मतलब कल दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मासी के घर से जब आई थी तो इस वजह से कल का जो व्लॉग था वह नहीं बना था, क्योंकि हम 4 बजे आए थे उस दिन, 3-4 बजे आए थे, इतने सारे काम किए, सो काम करती हूँ तो मैं बीमार तो पड़ूंगी, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना। सो आज मुझे कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए दूध पीने के लिए उठ जाएगा बच्चा। अभी मैं बनाने वाली हूँ पोहे, और गैस पे मैंने दाल राइस जो है मतलब दोपहर के लिए बनाने के लिए रख दिया है। और क्या हो गया, 4-5 दिन से मिक्सर का कुछ नामो निशाना नहीं है घर पे, मैंने एक गलती कर दी, वो आप मत कीजिएगा। मुझे मिक्सर मतलब हर एक चीज़ मतलब पानी से धोने की बहुत गंदी एलर्जी है, सो मतलब बिल्कुल वो मत कीजिएगा। मैंने मिक्सर को क्या किया, मम्मी जब आने वाली थी उसके एक दिन पहले सैटरडे या फ्राइडे ऐसे कुछ, तो बहुत अच्छी तरीके से धोया पानी से, रात को दिया, फर्स्ट टाइम मैंने रात को दिया, और एज यूजुअल मतलब सुखाने के लिए रख दिया। बट जैसे मैं एज यूजुअल मैं धोती हूँ मिक्सर, वो मैं धोने के बाद टेरेस पे सुखाने के लिए रखती हूँ, और उस दिन क्या हुआ कि मम्मी आ गई थी, फिर उसके बाद खाना बना रहा था सुबह, तो इस वजह से मैंने वैसे ही मिक्सर मतलब यूज़ किया, तो उसकी जो अंदर की जो मोटार होती है, क्या बोलते हैं मोटार ही बोलते हैं, आप समझ लीजिएगा क्या हो सकता है अंदर, तो वो ख़राब हो चुका और उसमें से धुआँ आ रहा था। तो प्लीज़ अपने मिक्सर को कभी भी पानी से मत धोइएगा, मेरी बहुत गंदी आदत है। अगर सपोज़ मैं टेरेस पे उसको मतलब क्या बोलते हैं सुखाने के लिए अगर रखती तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो 450 रुपये मतलब मेरे वेस्ट गए, क्योंकि वो मतलब मोटर चेंज करवानी है और क्या करना है। हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि वो जो मोटर अभी बैठाने वाले हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, सो एनीवेज अभी देखते हैं, क्योंकि बाकी के भी मिक्सर मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन में देख रही हूँ कि कौन सा अच्छा मिक्सर है, मैं तो यही उसी मिक्सर से हम काम करवाएंगे। मैंने इनको बोला मतलब मेरी गलती थी, मैंने उनको बोला थोड़ा सा देख लो ना और नया मिक्सर ले लो, बोल रहे 2-3 हज़ार का मिक्सर है। अभी ये जेंट्स लोग होते हैं ना ऐसे होते,
क्योंकि मुझे नया मिक्सर तो चाहिए था, क्योंकि ये जो मिक्सर है ना इतना मतलब बारीक, मतलब बहुत चीज़ें अगर मतलब छोटी छोटी होनी चाहिए ना, जैसे कि लहसुन अदरक की पेस्ट इतनी नहीं होती है, तो मैंने बोला ठीक है यार इसी बहाने से ख़राब तो हो गया, बट नहीं इन्होंने मेरे पैसे बचाए। ये ना कभी कभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है अभी देखते हैं, अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ फिर भी तो मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। और अभी के लिए बनाते हैं पोहा। गमी दीदी बहुत जोर से चिल्ला रही है एज यूजल, मेरे बच्चे नहाते टाइम इतना परेशान करते हैं, इतना मतलब जैसे कि हम पेरेंट्स उनके लिए कुछ बुरा करें ऐसा कुछ भी नहीं, उनको अच्छे तरीके से नहलाते हैं, बट क्या करें अभी नहीं समझ में। चलिए पोहा बनाते हैं। स्टार्ट में बनाने वाली थी पालक की पूरियाँ, बट मिक्सर नहीं है और इन्होंने कल भी नहीं लाया, तो देखते हैं मिक्सर आने के बाद मैं शायद पालक की पूरियाँ बनाती हूँ। स्वामी गनु दीदी आ गई है ना स्कूल से, स्कूल में एग्जाम चल रही है बच्चों की, मेरे आपके साथ शेयर भी नहीं किया, टाइम नहीं मिल रहा है शेयर करने के लिए। और ड्रेसेस जो है अभी मैं बच्चों को जो अच्छे अच्छे ड्रेस वो पहना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि यार बाहर जाएंगे घूमने के लिए तब रखूँगी, तो उससे वजह अच्छा है कि ड्रेस पहना दूँ। और मतलब क्या होता है कि बच्चों की हाइट बढ़ जाती है और वो सारे कपड़े के कपड़े वैसे ही रह जाते हैं। मैं आपको बता दूँ परसों मेरे स्वाभिषेक ऋषि का भी कपड़ जो है मतलब बहुत सारे कपड़े देखिए थोड़ा थोड़ा सा वैसे वैसे हो चुका है, बहुत सारे कपड़े दे दिए हैं, मतलब दे दिए नहीं रख दिए, एक कैरी बैग में है और सही लोगों के पास हमें पहुंचाने हैं। क्योंकि क्या हो जाता है कि मैं हमारे मौसी को वगैरह देती थी तो उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कि मतलब मैंने देख लिया किसी को कितना भी आप प्यार करो कुछ भी करो, तो इससे वजह अच्छा है कि जिनको सच में ज़रूरत है उनको दे दिया जाए। तो इस वजह से मैं जो ये कपड़े हैं जो ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिनके छोटे छोटे बच्चे बट उनको कपड़े पहनने के लिए भी नहीं होते, तो मैं उनको स्वामी श्री गणेश के ड्रेसेस जो है देने वाली हूँ। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इस वजह से मुझे लगा कि आपके साथ भी ये प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो शेयर किया जाए। और इस प्रोडक्ट पे फ्लैट 30% ऑफ है और मतलब ब्रांड तो बहुत अच्छा अरोमा ब्रांड है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से प्रोडक्ट है और ये क्या क्या है। तो यहाँ पे है अरोमा मैजिक के प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैंने इस वजह से मंगवाया है कि ये केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, और मैंने बहुत कुछ नाम सुन रहा था तो इस वजह से मैंने ये डिफरेंट सारे प्रोडक्ट जो है वह मंगवाए हैं। तो चलिए एक वन बाय वन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले है ये अरोमा मैजिक का सनब्लॉक लोशन है, जैसे कि आप इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हैं कितनी क्यूट सी है। और मेन चीज़ ये है ना कि ऐसा लोशन जो होता, मतलब लोशन के जो पैकेजिंग होते हैं ना, तो वो मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे आउटर पैकेजिंग देखा है, और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, थोड़ा सा पिंकिश कलर का है और बहुत ही अच्छा मतलब अप्लाई हो जाता है। ओके तो उसके बाद ये है अरोमा मैजिक का ग्लॉसी पैक, और ये भी बहुत ही अच्छा है, सारे पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से का पैक है। मतलब जिनको पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है ये वाला पैक। और अभी जैसे कि हमारी एज बढ़ती है तो पिगमेंटेशन वगैरह आ जाते हैं स्किन पे, तो इसके लिए बहुत अच्छा मतलब एंटी पिगमेंटेशन ग्लॉसी पैक है। और फिर उसके बाद ये है अरोमा मैजिक का एक्टिवेटेड बाम्बू चारकोल फेस वॉश, और ये फेस वॉश जो है मतलब जैसे कि मेरे बहुत सारे चारकोल के फेस वॉश यूज़ किए हैं, यहाँ पर बबल्स आ रहे हैं, बट
वो जो केसे होते हैं बता दो, एकदम मतलब ब्लैक कलर के होते हैं और ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट है इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है। सो अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल, और ये जो कैस्टर ऑयल है आप अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ आपके स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इससे ये सारे प्रोडक्ट ही बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपको भी ये परचेस करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, तो आप वहाँ पर जाके भी परचेस कर सकते हैं। फ्लैट 30% ऑफर चल रहा है इन सारे प्रोडक्ट पे, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे है। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी प्राइस जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे कि ये 320 का है, बट अभी फ्लैट 30% डिस्काउंट होने के बाद आप ही देखिएगा कितना मतलब डिस्काउंट मिल रहा है आज आपको। सो जल्दी से जाके इसको आप चेकआउट कीजिएगा। अगर ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप दूसरे भी प्रोडक्ट, इनके अरोमा मैजिक के प्रोडक्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कौन आला? शामी कौन आले आले साड़ी घातली मारायचं नाही बच्चा आपल्याला। साडी घातली? कोणी घातली? कोणा दीदी ने? काय काय तर कधी काढली तर देखिए घर स्वामीश्री को पता है की मुझे कट कर दी। बच्ची को देखो, इस बच्ची को ना सब कुछ पता होता है क्या किया क्या नहीं किया। ये बूढ़ी अम्मा है हमारे घर की। अरे गिर गई। ये सॉक्स कोने ठेवले तिथे? सॉक्स कोने ठेवले? धुवाल टाकले काय? पप्पाला काढले काय आलं त्याला? आ आ गरी दीदी गरे गरु दीदी गरु दीदी, तू सकाळी रडत होती की नाही आंघोळ करताना? कशी रडती गणू दीदी? कशी रोती आहे गणू दीदी? कशी रोती आहे बताओ? और सौम्य दीदी कशी रोती आहे? और गणू दीदी कशी हसती आहे? स्माइल कशी करती? स्माइल? अरे ऐसी स्माइल थोडी ना करती। और सौम्य दीदी कशी स्माइल? स्माइल स्माइल हसती कशी? स्वामी स्वामी दीदी का फोटो कैसा? अच्छा गणु दीदी का फोटो जो है मम्मी के मोबाइल में ऐसा है, तो इस वजह से ऐसी पोज दे रही है। और वहाँ पे जो है स्वामी श्री का चार दयाना लावणार होते। गणु गणु मम्मी मम्मी का होते कसं? मम्मी ला बोलते कसं? तो अभी हम खाने वाली ही पालक की पूरी। बाप रे कितने दिनों से पेंडिंग था, और मेरे अपने हाथों से जो है वो मिक्सर जो है खराब कर दिया। कितने रुपए ले? 430। उसे क्या पता था कि वो धोने के बाद खराब होने वाला है। मिक्सर को ये ऐसा धोता है पानी? अरे कितना गंदा हो गया था। कितना तो गीले कपड़े से साफ करना रहता है उसको। कभी भी मेरे गीले कपड़े से साफ नहीं किया है उसको, कभी भी नहीं। अब ए माँ जाए थैंक यू। और मैंने इनको बोला कि 430 रुपीज ले रहे हैं ना, तो उसके बजाय फोकस ही नहीं हो रहा था। और मेरे की जो मेमोरी फुल हो गई थी। तुम्ही काय आणलं पण नवीन मिक्सर? हाँ अरे 400 रुपये का ठीक है, 3000 का मिक्सर आणू है। और क्या है ना, वो थोड़ा सा मिक्सर खराब ही है, तो उसमें अरे मतलब ज्यादा कसा असतो मिक्सर? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम नया लाओगे, तो इन्होंने क्या किया वहीं पे रहने दीजिए। और मावशी काय म्हणतात आपल्या कामाला, मावशी भांडे वाले मावशी, कि म्हणजे आमचे पाहुणे होते 250 रुपये मध्ये झालं असतं का? 250 मतलब मेरे जो मौसी है तो वो क्या मावशी क्या तुम्हारे इंजीनियर है क्या? अरे नहीं नहीं क्या मालूम क्या हुआ है? सुनो उनके
कुछ तो रिश्तेदार है तो उन्होंने भी ऐसे ही धोया था एक बार, तो उनकी मोटर जो थी वो खराब हो गई थी, तो मुझे कह रहे थे, तो भी बोल रही थी कि हाँ अभी मुझे क्या पता, नेक्स्ट टाइम और एक बार धो दो और वो मौसी के पास से कर लो वाले के। अरे उनके कोई रिश्तेदार इस वजह से बोल रहे थे वो। चलिए अभी खाते हैं पूरिया पूरी ब्लैंकेट बैग बैग जिता आता है आज मेरे ठेवली बैग। तू काय होमवर्क करना है इतने नखरे करती है, इतने नखरे करती है। अब उसको बैग चाहिए थी। दिखा क्या होमवर्क दिया? होमवर्क नहीं, एग्जाम चालू है ना सर? दीदी क्या कर रही है? हिंदी में आप बोलते हो ना, कैसे बोलते? दीदी धीरे धीरे। और मराठी में? मराठी मध्ये क्या बोलते? गडू दीदी तू गाडीला चावी लावती? तू कशी होती चावी? कुछ ना आप चावी दिखाओ कैसे लगाती है आपकी गाड़ी को, उसके बाद स्टार्ट होती है गाड़ी। दिखाओ कहाँ पे फ्रिज की चावी है। वो चावी है। हाँ कुटला आई थी। चावी। तो है हाँ। और ऐसे चलती है, फिर उसके बाद चलती है गाड़ी तुम्हारी साइकिल साइकिल। पिश पिश। बजे? अच्छा फिश आने चल रही है। अच्छा ये सभी लोग परसों गए थे टू व्हीलर पे फिश लाने के लिए, सभी बहू माँ के साथ गई थी ना तुम, तो इस वजह से बोल रही कि अभी गाड़ी को चाबी लगा के फिश लाने के लिए जा रही हो। ये क्या खा रहे हो आप? ये क्या है? बात कर रहा है। बात कर रहा है? राइस खा रही हूँ मैं। राइस खा रही हूँ मैं। बास के चलो तुझे सत्य कहतले भात नहीं भरलो दर ओ दर बोललो दोड दी देखी कैसे सो गए बाकी का सब झोपती उठो तेला तेलो उठो दर अभी जस्ट मैं खाना खा के बैठी हूँ और समीक्षा गणेश का भी थोड़ी देर के बाद मुझे स्टडी लेना है क्योंकि उनकी एग्जाम भी चल रही है। सो बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बाकी का वीडियो बनाना और बच्चों को देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ वीडियो। और मतलब मुझे ऐसा होता है कि मेरा एक दिन भी आकर वीडियो नहीं जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, फील मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। और आप भी लोग मिस करते हैं अगर एक भी दिन मेरा व्लॉग नहीं आता है। और हाँ आज मैंने एक सुबह एक वीडियो बनाया जो कि था ब्रा और पैंटी के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि निगेटिव कमेंट आएंगे वो मुझे पता था, और इससे पहले भी मैंने 6-7 महीने हुएंगे उससे पहले मैंने सॉरी बिकनी की शॉपिंग का हॉल डाला था तो अभी मुझे निगेटिव कमेंट आए थे। तो मैं निगेटिव कमेंट वालों को बोलना चाहूँगी
कि जब मैं कुछ लंच रूटीन वगैरह बनाती हूँ तो ये सब कुछ करती हूँ, तो उस टाइम तो मतलब आप मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और जो मैंने दिखाई ब्राज और पैंटी, मैं आपको बता दूँ वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर आप जितनी सारी लेडीज़ अगर मुझे देखती है तो आपकी अगर सेविंग हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी क्या हो रहा था कि बहुत सारे जैसे कि डेली ब्लॉगर है पर्पल के साथ हम काम कर रहे थे, तो बहुत सारे मुझे सभी बहुत सारे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हैं सभी को गालियाँ मिल रही थी कि यार तुम क्या प्रमोशन कर रहे हो। और बाद में सभी को पता चलेगा कि वहाँ पे इतने सारा डिस्काउंट चल रहा है, तो मतलब जहाँ से भी अगर लेते हैं तो आपसे ज़्यादा वहाँ पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो भी बहुत सारी लेडीज जो है जो मतलब हेटिंग कर रही थी मतलब वो परचेसिंग करने लगी। और लिटरली मुझे बहुत सारे ईमेल भी आए थे कि हाँ दीदी हमें पहले लगता था कि आप प्रमोशन कर रहे हो बट नहीं, ये फ़ायदे के लिए। तो अभी कल भी आज सुबह ही मैंने वो जो वीडियो डाला है उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरे वीडियो की लिंक। और मैंने इतनी हेल्पफुल मतलब बातें कही है कि आप कैसे मनी सेव कर सकते हो। मेरा मोटिव यही होता है कि आप लोग जो है मुझसे कुछ सीख सको। देखिए मैं भी बहुत मतलब जो भी कुछ कहती हूँ वो सब सच कह देती हूँ। पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी बट अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। बट मेरा ये है कि मोटिव कि आप एक सही वेबसाइट के ऊपर जो है शॉपिंग करो, ना कि कहीं पे जाके कुछ भी फेक वगैरह प्रोडक्ट वगैरह आप परचेस करो। मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि जिसे भी मतलब किसी भी के साथ भी अगर मैं काम करती हूँ वेबसाइट के साथ, तो मैं पहले देखती हूँ कि वो वेबसाइट सच में अच्छी है, उनकी क्वालिटी उनके का सब कुछ देखती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मेरी वीडियो जो है वो बनाती हूँ, पब्लिश करती हूँ और उनके साथ जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किया। एक नेगेटिव कमेंट ऐसा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम छोटे गांव से हो, तुम्हें ब्रा पैंटी दिखाने में कुछ ये नहीं है। तो पहली बात है मुझे शर्म नहीं आती है वो दिखाते वक्त, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मुझे शर्म नहीं आ रही है क्योंकि देखिए वो लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अभी आप में से बताइएगा, आप में से कितने सारे लेडीज़ को शायद वे वेबसाइट पता थी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसको पता नहीं होगी, पता होती है हमें भी, बट किसी किसी को नहीं पता होंगी। जैसे कि मैं छोटे गांव से हूँ तो मुझे नहीं पता थी इतने दिनों तक, तो मुझे पता चल गई हाँ, और मैंने वहाँ पे शॉपिंग की और इतनी अच्छी शॉपिंग की और मुझे कैशबैक मिला। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं देती हूँ वो नहीं, तुमने ब्रा क्यों दिखाए और तुमने ब्रा क्यों नहीं पहनी, ब्रा क्यों पहन के दिखाओ भाई मैं, हाँ मेरी मर्जी। और एक बंदा है कोई आरके रुपेश कोई तो नाम का बंदा है, उसकी वाइफ भी वो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो थैंक यू सो मच आप मेरे व्लॉग देखते हैं। बट आपने जो स्टेटमेंट दिया ना मेरे वीडियो के नीचे, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि आपने मुझे कहा कि ब्रा दिखाइए तो पहन के भी दिखाती जैसे कि शीन के कपड़े दिखाती है। तो पहली बात तो ये मेरी मर्जी होती है कि मैं शीन के कपड़े पहन के दिखाऊँ, मैं कभी कभार नहीं दिखाती, कभी कभार पहन के दिखाती हूँ, वो मेरी मर्जी होती है। और आपने मतलब इतनी घटिया बातें कही, वो बाद में मुझे पता चला कि आपने इतनी घटिया बातें क्यों कही। तो इनको मतलब मैंने उस वीडियो में ये बोला है कि जो मैं लोकल मार्केट से शॉपिंग करती थी तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी शायवे पे है, शायवे के वेबसाइट पे थी, और ऑनेस्टली सच में बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो इन ये जो भाई साहब है कोई रुपेश, उनका मुंबई में कुछ ब्रा वगैरह बेचते हैं ये, उन्होंने वहाँ पे वीडियो के नीचे एक कमेंट किया है ब्रा पैंटीज बेचते हैं। तो मैं आपको कहती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है जेंट्स लोग बेचे या फिर लेडीज़ लोग बेचे, बट इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें दिखाते वक्त शर्म नहीं आती, तो भैया मुझे नहीं शर्म आती है क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ तो लेडीज़ को दिखाना ज़रूरी था। और आपको नहीं शर्म आती, मैं आपको पूछना चाहती हूँ आप जेंट्स हो क्या आपको शर्म नहीं आती कभी पैंट्स दिखाते वक्त, मतलब ब्रास दिखाते वक्त? हाँ मतलब मैं किसी जेंट्स को टारगेट नहीं कर रही हूँ ना किसी लेडीज़ को, बट उन्होंने मुझे टारगेट किया तो मैं उनसे पूछ रही हूँ। उनको अगर शर्म नहीं आती है मतलब बेचते टाइम तो मुझे भी नहीं आती क्योंकि उनकी खुद की शॉप है। तो आप मतलब मुझे इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि मैंने शायवे की वेबसाइट की मतलब जो भी बातें कही थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे शायद में भी ऐसा लगता है मुझे बोला होगा। तो ये मतलब बहुत बुरा लगा। और मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए आप लोग भी मुझे बताइएगा, अगर मैंने ब्रा पैंटीज दिखाई क्यों शर्म आनी चाहिए? मेरे चैनल पे मैं हमेशा जितनी हेल्पफुल जितनी इन्फॉर्मेशन मिले वो मैं देती हूँ, चाहे मतलब मैं खाना भी बनाती हूँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कभी अगर मैं शॉपिंग हॉल दिखाती हूँ तो यार तुम इतनी शॉपिंग क्यों करती हो, ये क्यों करती हो तो भाई
आपके फायदे के लिए भी मैं करती हूँ ना, कि मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं देख रहे हो, बट तुमने ये क्यों दिखाया तुम व्यूज़ के लिए सब्सक्राइबर? देखिए सब्सक्राइबर व्यूज़ गेन कैसे करें मुझे भी पता है, गलत वे से मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं कभी भी आज तक मैंने अपने चैनल पे किसी यूट्यूबर का नाम लेके मैं आज तक आई नहीं हूँ। जितना भी कुछ किया है वो मैंने अपने बलबूते पे किया है, जितना भी अपने चैनल में आगे ला रही हूँ अपने बलबूते। आप देखिएगा किसी ने भी मेरे चैनल को प्रमोट किया नहीं किया, और मुझे भी पता है कि कौन सी वीडियो टाइटल डालने से कैसे चैनल ग्रो होता है, बट मैं उस तरह से नहीं जाती, बट मैंने शॉपिंग की थी ब्रास की पैंटी, तो इस वजह से जो है वो मैंने वीडियो बनाया था। और मुझे किस बात की फिर से मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए वीडियो डालते टाइम? हाँ, किस बात की शर्म आनी चाहिए ब्रा पैंटी की? पहली चीज़ तो ये कि लेडीज़ लोग मोस्टली लेडीज़ लोग देखती है, और मुझे कहा जा रहा है कि मेरे फैमिली से मेरे पापा मेरे हस्बैंड, तो पहली बात तो ये है कि मेरे पापा जो है मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, तो अभी जो बोलना है वो बोले, क्योंकि मेरे पापा को इतना टाइम नहीं होता मेरी व्लॉग देखने का। और हाँ, मेन चीज़ है कि मेरे चैनल जो है लेडीज़ लोग देखती है, और इसमें से बहुत सारी लेडीज़ मुझे कहा कि उनको वेबसाइट जो है पर्पल शीट से शॉपिंग करना नहीं आता था, और उनको ट्रस्ट नहीं होता था कि शॉपिंग करें या ना करें, क्योंकि डर लगता था कि यह सच में है अच्छी है नहीं। जब से उन्होंने देखे कि मेरे वीडियो देखते तब से उन्होंने शॉपिंग करना भी स्टार्ट किया। जी हाँ, छोटे गांव के औरतें भी स्टार्ट किया, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं। और पहली चीज़ तो ये, मैं छोटे गाँव से हूँ, बहुत छोटा गाँव है। अभी मैं आपको बता दूँ, मेरी जो सिटी है ना एक विलेज है, ऑनेस्टली बोल लूँ। और मुझे मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल दूँ तो सभी लोग जानते हैं, और उनको मेरा काम जो है इतना पसंद है कि मुझे आज तक ऐसा नहीं आया कि मुझे बोला कि यार तूने ये क्या गंदगी डाल दी वीडियो पे, आज तक कभी नहीं। इवन मेरुस्टर कप के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी, तो कुछ लेडीज़ ने मुझे बोला कि यार हमें पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दी। गॉड, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है कि मतलब कैसी मेंटेलिटी होती है यार। एक जेंट्स मुझे बोल रहा है कि तुम्हें दिखाते हो शर्म नहीं आती। अरे आपके भाई साहब, आपकी तो शॉप है, आपको तो शर्म नहीं आती, तो मैं एक लड़की हूँ कि मुझे क्यों शर्म आएगी? चलिए मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ यार।